नमस्कार। आइए आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से गूगल के अंदर गूगल का जो जेमिनाई एडवांस्ड के नाम से जो इन्होंने बनाया है अपना, इसको बोलते हैं ये लोग गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्होंने बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो इन्होंने बना रखा है कि भाई एआई के द्वारा आप हमारा जानिए, आप इसका इस्तेमाल करिए, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो आप जानकारियां ले सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ नया आपको इसके अंदर पता लग सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं इस्तेमाल कर रहा था इनका जो नॉर्मल जो पुराना जो जेमिनाई फ्री वाला है, तो इसने नया लॉन्च किया। नया लॉन्च करने के पहले जेमिनाई का नाम हुआ करता था बार्ड, तो मैं बार्ड इस्तेमाल किया करता था। बार्ड इस्तेमाल करते करते जब इन्होंने नया ये वाला किया लॉन्च, तो मुझे लगा भाई जेमिनाई है कुछ ना कुछ, तो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, कुछ तो बढ़िया इन्होंने किया ही होगा। तो जब इन्होंने बार्ड का नाम जेमिनाई किया, तो जेमिनाई के बाद इसमें करने के बाद इन्होंने इसमें दो ऑप्शन दिए, एक तो जेमिनाई फ्री वाला, एक जेमिनाई एडवांस्ड। फ्री मतलब आप फ्री में इसको करते रहिए, जब तक इनका फ्री चल रहा है तब तक आप इसको करते रहिए। तो एडवांस्ड इनका जो वर्जन इन्होंने उसमें लिखा कि भाई ये वाला जो एडवांस वर्जन है, तो एडवांस्ड वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एडवांस्ड में आप एक्स्ट्रा फ्री फैसिलिटी दे रहे हो तो भाई दे डालो, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। तो अभी तो खैर अब क्योंकि मेरे गूगल अकाउंट के अंदर अब वो फ्री वाला फैसिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर डाला मैंने तो। लेकिन इसी वाली स्क्रीन पर पहले आया हुआ आया करता था, ये तो जेमिनाई एडवांस्ड का स्क्रीन है कि भाई अपना जो फ्री वाला जो प्लान है जो जेमिनाई का, आप इसको एडवांस्ड में कर लीजिए, तो अभी आपको हम 60 डेज का फ्री ट्रायल देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर लिखा है कि भाई हम आपको ये 1.0 अल्ट्रा है वो देंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस देंगे, हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क आप कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, ये मेरे पास तो कोई कॉम्प्लेक्स टास्क ही नहीं है, सिंपल सिंपल हम छोटी मोटी चीजों के लिए रोज इसको इस्तेमाल करते हैं जेमिनाई को। चलो कोई बात नहीं, फ्री में ट्रायल है 60 डेज का, अभी हम इंडियंस की आदत है ना, सब कुछ फ्री में मिलता है, फटक से लग लेते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी जो है सो है, लालची लोग हैं हम लोग, कुछ लोग मतलब मैं तो हूँ, बाकियों का तो शायद मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ही बढ़िया लोग हैं, मतलब तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ सो हुआ। इसमें लिखा है कि आपका जो जीमेल है उसके अंदर भी जेमिनाई डाल देंगे, वो भी बढ़िया हो जाएगा। डॉक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स मतलब वो जो इनका जो एक्सेल टाइप का जो इनका शीट्स वाला जो चलता है, वर्ड टाइप का जो चलता है, तो उसके अंदर भी डाल देंगे। पावर पॉइंट टाइप का जो इनका जो प्रेजेंटेशन वाला मोड है, स्लाइड्स है, उसमें भी डाल देंगे। 2000 GB का स्टोरेज देंगे, 2 TB देंगे, जैसे फोन में कई बार हमारे 15 GB भर जाता है, तो हमें ज्यादा स्टोरेज के लिए हर महीने 130 रुपये महीना या तो 1300 रुपये साल का देना पड़ता है गूगल को। तो अभी इधर लिखा है 2 TB फ्री देंगे, मैंने कहा चलो बढ़िया यार, फ्री दे रहे हो, कुछ फ्री दे रहे हो, बढ़िया है, दे दो दे दो दे दो। लेकिन अभी ये दे दो के अंदर ही तकलीफ है, ये जो फ्री में दे रहे हैं फोटोज, गूगल फोटोज आप फ्री में शेयर करिए, फ्री में आप वो स्टोरेज करिए, पैसा नहीं लेंगे आपसे, 2 महीने का फ्री में देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ड्राइव फ्री में लीजिए आप, जीमेल फ्री में लीजिए, अदर गूगल वन प्रीमियम बेनिफिट। हमने कहा चलो अच्छी बात है। अब मेरी स्क्रीन पर तो ये नहीं आ रहा है जो ये फ्री जो 60 डेज फ्री ट्रायल लिखा है, लेकिन किसी भी और गूगल अकाउंट से यदि आप ट्राई करके देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, अभी फ्री है तो मैंने ये जो नीचे वाला गो टू चेकआउट है मैंने दबा डाला, मैंने कहा ठीक है भाई लो दे डालो। अब ये सब करने के बाद मैंने क्या किया कि इसको करके जब मैंने ये सब कर लिया, तो ये सब करके नेचुरली वो चेकआउट वेकआउट वो सब करना होता है, मैंने कहा ठीक है भाई चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई क्या है, क्रेडिट कार्ड का नंबर दे ले लो भाई ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री में दे रहे हो ना, तो भाई फ्री में तो हम बदले में बस आके बंद हो जाती है हमारी, मतलब हमारी मतलब मेरी। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे लिखा है गूगल वन ए आई प्रीमियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीमियम, 10 फरवरी को मैंने ले डाला।
पैसा लगा जीरो। जीरो क्यों लगा? क्योंकि 60 डेज के लिए मैंने लिया था, 60 डेज के पहले मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरा पैसा उसका नहीं लगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन समस्या इसके अंदर क्या आ गया कि मैंने पहले से 6 अगस्त 2023 को ऑलरेडी 100 GB का प्लान 1300 रुपये साल का ले रखा था। अब वो जो ले रखा था, तो लेते लेते उसके अंदर वो 1 साल का वैलिड था। अब आप यहाँ देखिए कि 6 अगस्त 2023 से 1 साल होता है 6 अगस्त 2024 को। अब 6 अगस्त 2024 आने के पहले 10 फरवरी 2024 को, यानी कि 6 महीने बाद मैंने ये गूगल वन AI प्लान ले लिया। अब ये 2 GB की जगह 2 TB का प्लान आ गया। 2 TB का मतलब 2000 GB। अब ये वाला प्लान आने से हुआ क्या कि पुराना प्लान कैंसिल, यानी कि पैसा मैंने दिया 1300 रुपया। ये 1300 रुपया मैंने दिया, लेकिन ये 1300 रुपये देने का नतीजा क्या हुआ कि ये 1300 रुपये दे के उसका 6 महीने इस्तेमाल हुआ। 6 महीने बाद मैंने दूसरे प्लान में चेंज कर लिया, तो बाकी का 650 रुपया साफ। अरे भाई, बड़ी अजीब बात है, मुझे पता ही नहीं लगा ये ऐसा हो रहा है। तो खैर, 2 महीने मैंने यूज किया गूगल वन AI प्रीमियम। कुछ खास डिफरेंस नहीं, सिर्फ रंग का डिफरेंस है। जो जेमिनाई होता है, जो गूगल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जेमिनाई के नाम से गूगल ने निकाल रखा है, फ्री वाला होता है नीले रंग का होता है, प्रीमियम जो होता है, एडवांस्ड जो होता है, वो लाल रंग का होता है। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरा इतना कोई भारी भरकम, कोई एडवांस्ड, कोई ऐसा कोई यूज नहीं है, तो सिंपल यूजर। तो भाई, अब मुझे तो इतना ही लगा, इसलिए मैं आपको ऐसा बता। खैर, आगे चलते हैं। 60 डेज हो गया, फ्री ट्रायल खत्म हो गया। अभी मेरा दोबारा से वो जो ओरिजिनल वाला, जो फ्री वाला जो वर्जन था जेमिनाई का, उसके अंदर दोबारा से आ गया। अभी आ गया तो अभी 15 GB से ऊपर वो स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए भरना पड़ता है 1300 रुपये साल का दो, या तो 130 रुपये मंथली दो, वरना हमारा डाटा उड़ा डालेंगे गूगल वाले। तो अब डाटा मतलब, अभी तो हमारे फोन में 24, जो फोन है हमारे 24 घंटे जेब में रहता है। गूगल है, उसमें बहुत सारी चीजें, गूगल का अकाउंट है, तो डाटा है ढेर सारा। 15 GB से ऊपर हो जाता है, जब हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कई सालों तक तो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली 15 GB से ऊपर हो जाता है। तो जैसे ही डाटा 15 GB से ऊपर होता है, गूगल वाले कहते हैं पैसा दो, वरना आपका ईमेल जाना बंद, ईमेल आना बंद, कई सारी चीजें बंद। तो ये सब चीजें जब बंद करने का, उधर से वो बार बार धमकी मिलता है, बार बार वार्निंग, धमकी तो नहीं कह सकते, वार्निंग मिलता है। तो बार बार ये जो डर भरा, जो बार बार याद दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारा ईमेल नहीं जाएगा, नहीं आएगा, बल्कि याद क्या दिलाया जाता है, आना ही बंद हो जाता है, जाना ही बंद हो जाता है। अभी आपको लगता है कि मेरा तो गूगल अकाउंट मैंने सब जगह बंद डाला, और उधर ईमेल नहीं आ रहा है, ईमेल नहीं जा रहा है, पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो भाई, मैंने तो पहली बार देखा, भाई पैसा देना पड़ेगा। मैंने 130 रुपये मंथली दे दिया, उसके बाद हर महीने देना ही पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड डाल दिया, ऑटोमेटिकली हर महीने डल रहा है। अब 130 रुपये मंथली के हिसाब से साल का पैसा होता है जाके 1560। तो 1560 देने के बजाय इकट्ठा 1300 रुपये देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैंने 1300 दे डाले। लेकिन जब मैंने आज, यानी कि मेरा जो गूगल वन जो AI प्रीमियम, आज का मतलब कल, जो मेरा 19 अप्रैल 2024 को यह खत्म हुआ, तो 60 डेज तो नहीं, 60 डेज से थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने ट्रायल दे डाला। तो मुझे लगता है 10 फरवरी से 19 अप्रैल, थोड़ा सा कुछ तो ज्यादा हो गया, 2 महीने से शायद 2 3 4 दिन ऊपर हो गए। तो ठीक है, बढ़िया था, सिर्फ रंग का डिफरेंस था, नीले और लाल रंग का फर्क था। ऐसा कोई एडवांस वगैरह का ऐसा कुछ एडवांस दिखा नहीं मुझे। खैर, जो रहा सो रहा, लेकिन क्योंकि स्टोरेज का दोबारा से उन्होंने वार्निंग दे दिया कि भाई आपका तो ईमेल नहीं जाएगा, ईमेल नहीं आएगा, तो भाई पैसा देना पड़ेगा ना। आज मैंने फिर से 130 रुपये दे दिया 1 महीने का, कि चलो ठीक है, अब 130 रुपये लो, और 130 रुपये लेके आप मेरा कंटिन्यू करो। अब मुझे नहीं याद था कि मैंने ये ऑलरेडी इसको पैसा 1 साल का भर रखा है। तो बाद में मैंने सोचा 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 कि मैंने 130 क्यों दिया, और सोचने के बाद मुझे याद आया, यार ये 130 तो मैंने गलत दे दिया। अब जब मुझे पता लगा कि ये मैंने 130 गलत दे दिया, तो मैंने कहा भाई इसका इलाज क्या है। चलो भाई, फिर ऐसा करते हैं, इसको फटाफट हम लोग, ये जो हमारा गूगल का जो सपोर्ट है उसको पकड़ते हैं।
तो ठीक है, मैंने गूगल के सपोर्ट को पकड़, मैंने पता किया भाई ये लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो पता लगा कि ये कुछ तरीका है चैट के द्वारा, ये लोग बताते हैं किस तरीके से क्या करना है, कैसे कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बताओ भाई। नोएल भाई ने हमें बोला कि हाँ ठीक है, आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सारा प्रॉब्लम इनको बताने के बाद बार 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 ये गूगल जेमिनाई का सपोर्ट है, गूगल वन का सपोर्ट है, बार बार इनको तकलीफ बताने के बाद बार बार ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब ये लड़की पता नहीं कौन है, नोयल मतलब कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है आखिरकार इसका नतीजा इन्होंने क्या निकाला है कि भाई हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते, अभी आपने डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ा। अरे भाई डिस्क्लेमर हमको क्या पता, हम ट्रायल लेते हैं तो हमको इतना डिटेल में हमको थोड़ी ना पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर बार बार उनसे मैं पैसा मांग रहा हूँ कि भाई 6 महीने इस्तेमाल किया था आपका गूगल वन का जो प्लान मैंने लिया था, 6 महीने इस्तेमाल किया था, उसके बाद जो फ्री ट्रायल आपका 60 डेज का हमने ले लिया, तो 6 महीने यूज किया था, बाकी 6 महीने का तो दो। अच्छा 6 महीने ना सही, चलो आप 2 महीने जो फ्री ट्रायल लिया था आपने, तो फ्री ट्रायल का चलो हम आपको 2 महीने का और पैसा दे देते हैं, तो कम से कम कुछ तो पैसा वापस करो, 6 महीने इस्तेमाल किया 6 महीने का पैसा खाओ तो मत। लेकिन ये किसी भी तरीके से पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। आप देखिए बार बार इवन इनका मैंने सीनियर को बोला, मैंने 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 रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई अपने सीनियर का कुछ तो बता दो, कुछ तो इलाज बताओ, कोई आपका सीनियर होगा, कोई आपका और कुछ कंपनी में होगा, इतनी बड़ी कंपनी गूगल है, मेरे को धोखा तो मत दो भाई। बार 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 मैं उसको लिख रहा हूँ, लेकिन उधर से ये नोएल जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, इसके बस का कुछ नहीं है, क्या करें, मेरा पैसा गया। मैंने उसको बार बार लिख के दिया है भाई मेरा 1270 रुपये का नुकसान मत करो, लेकिन ये इधर कुछ बताने को तैयार नहीं कि नहीं मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, जो भी है। आखिरकार इसने कन्वर्सेशन एंडेड द कन्वर्सेशन, नोएल एंडेड द कन्वर्सेशन, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई किसी भी जिम्मेदारी नहीं है, कस्टमर का पैसा खा जाओ, कस्टमर ने गलती कर दी, तुम्हारा फ्री ट्रायल ले लिया, अब पूरे के पूरे गूगल में कोई सुनने को तैयार नहीं है कि भाई हमने तुम्हारा पैसा खाया, अब हम तुम्हारे पैसे का कुछ तो करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बच के रहिए, ये जो स्कैम मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि गूगल को हम बहुत ज्यादा भरोसेमंद कंपनी मानते हैं, और क्यों ना माने, गूगल हमारी जिंदगी में इधर से उधर बहुत सारी जगह पे घुसा पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक हम गूगल 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 के ढेर सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन जिस समय मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था ये स्कैम है, मुझे नहीं पता था कि मेरा 1270 रुपया लुट जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन अब मेरे साथ जब हो गया है, मैं जब भुगत रहा हूँ, जब गूगल के सपोर्ट स्टाफ नोएल ने भी मना कर दिया है कि भाई हम आपका पैसा नहीं देंगे, आपको डिस्क्लेमर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए था, अब इतना यार मेरे को अक्ल होता तो मैं पढ़ ही लेता ना भाई, तुम डिस्क्लेमर इतने डिटेल में बनाते हो, इतनी सोच समझ के बनाते हो, बार बार पढ़ पढ़ के बनाते हो, हमें क्या पता, हम तो फ्री के लालच में फंस गए तुम्हारे जाल में, भले ही तुमने जेमिनाई एडवांस के नाम पे कुछ तो अच्छा बनाया ही होगा, पर मुझे तो नहीं पता कि उसके अंदर अच्छा क्या है, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि जेमिनाई एडवांस मतलब नीले रंग का, लाल रंग का, सॉरी लाल रंग का तुम्हारा वो उधर आता है लिखा हुआ, और जेमिनाई फ्री वाला मतलब नीले रंग का लिखा हुआ आता है। खैर जो हुआ सो हुआ, बस यहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें इस वजह से बता रहा हूँ कि भाई मेरे 1270 गए तो गए, आप में से किसी का भी 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो चलो भुगत रहा हूँ अपने 1270 रुपए का नुकसान, आप अपने पैसे का नुकसान मत करना। यदि आपने पहले से इनका प्लान परचेज कर रखा है गूगल वन का, या तो आपने इनको पैसा एडवांस में ऐसा कुछ दे रखा है, और यदि आप ऐसा कोई फ्री ट्रायल ले रहे हैं जो जेमिनाई एडवांस के नाम पे 1950 पर मंथ के नाम पे, तो ध्यान रखना आपका पैसा ये लोग खाने वाले हैं। इसके लिए
बहुत ध्यान रखना, डिस्क्लेमर अच्छे तरीके से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले उसको रख लेना संभाल के, क्योंकि बाद में किसी भी नाम पर ये लोग मना कर देते हैं, जैसे कि मेरे को कर दिया, सुनने को तैयार नहीं। तो प्लीज अपना नुकसान मत करिएगा, मेरा तो नुकसान हो चुका है, सिर्फ अपना दुख दर्द आपके साथ मैं इस वजह से बांट रहा हूँ कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये वाला वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिएगा कि जिनका कोई नुकसान होने का खतरा है, या तो भाई नुकसान बचना चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। गूगल जैसी भरोसेमंद कंपनी हमें बिल्कुल फुटबॉल नहीं समझनी चाहिए, हमारा नुकसान नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर भी करिए, जरूर करिए, जिससे कि बाकी लोगों का नुकसान होने से बच जाए। थैंक यू मच। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।